गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। घंटा बजाओ तभी तो प्रसाद मिलेगा। ऐसी चमकदार जिंदगी, ऐसी रोशन जिंदगी उसने चैलेंज कर दिया। काफी लोगों की तादाद में आज लोग यहूदी डॉक्टर आज आखिरी दिन इज्तिमा का आप देख ही रहे हैं। बहुत ज्यादा लोगों का भीड़ है यहाँ पे। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा भीड़ है दोस्तों, देख ही रहे हैं। दुनिया की चैलेंज की किताब में लिखकर दे रहा है, ऐसी जिंदगी न कभी आई है और न ऐसा मुकम्मल इंसान और ऐसी खूबसूरत जिंदगी और ऐसा इंसान कभी दुनिया में आ ही नहीं सकता। अभी तो हमने अपनी ईमान की निगाह से भी हमने नहीं देखा, इसलिए दिल के यकीन को बदलने की मेहनत है मेरे कि मस्जिदों में ईमान के हलके लगाए जाएं, तालीम के हलके लगाए जाएं। पानी तो भिंगड़ा हो नहीं था अपने आप ही है। हाँ, मचा के हम चलने चलने के लायक देख रहे हैं दोस्तों, आज काफी भीड़ है यहाँ पे। क्या है बाप क्या आगे अपनी तकलीफ को करते थे और हूबहू जैसा अल्लाह के नबी को अमल करते के साथ अमल के साथ बताया अल्लाह के नबी ने, उसी अमल के नक्शे के साथ सहाबा अपने घर की औरतों को पेश करते। दूसरे दिन वो औरतें अपने बच्चों को पेश करती। जो दीन जो बात जनाबे रसूलुल्लाह होती थी सुबह को बच्चों की जिंदगी खाली हुई थी। कैसा मस्जिद में ईमान के हल्के लगे थे, कैसा ईमान के हल्के। ये जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं आखिरी दिन है आज इज्तिमा का, आप देख रहे हैं कितने लोग हैं, पूरा पिंडाल खचाखच भरा हुआ है। मस्जिद में लोगों को लाकर लोग ईमान के मुजाकरे करें, तालीम के हलकों में बैठाएंगे लाखों के तादाद में लोग, क्योंकि दावत का देना और लोगों को समझाना ये सारा बहाना है, असल तो अपना ईमान बनाना है। यहाँ क्या टुकड़ा सुनाया जा रहा है, अल्लाह के आगे अपना टुकड़ा, ये ऐसे ऐसी हालत में किए जा रहे हैं। इस मस्जिद चले गए सारा घर भर गया, हर बर्तन भर गया, अब बाहर उठा के रख गया निकलता रहता। आज एक पाव आटे के लिए हम परेशान होकर नमाजें छोड़ देते हैं। घर में मेहमान आया है, कैसा बच्चों का दीन सिखाया है, कैसा औरतों को आखरत सिखाई है कि अल्लाह के नबी की मस्जिद से ईमान सीखने आमाल सीखने के लिए एक आदमी आया। रात हो गई, अब कहीं तो सराय में ठहरेगा, कहीं तो खाएगा। चले गए साहबी ले गए अपने घर, दीन से पूछा कुछ है, खुदा की कसम सिर्फ बच्चों के लिए है, कोई बात नहीं चिराग खुल कर देना। और वहां क्या पूरे खचाखच भरे हुए हैं यहाँ पे लोग, आज आखिरी दिन इज्तिमा का आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो मुन्ने भैया हैं वो आए हुए हैं। और सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे?
बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज आखिरी दिन आपको कैसा लगा? कितने लोग होंगे यहाँ पे? 50 लाख। 50 लाख? लाख 50 लाख पार कर गए। हाँ, और दिनों से तो काफी लोग हैं यहाँ पे। हाँ, ज्यादा। तो आज आखिरी दिन है यहाँ पे इस समा का, तो आज दुआ के लिए इकट्ठा हुए हैं सब। तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा सर। और सर कैसा लग रहा है आज? जी, बहुत अच्छा। आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। जी जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग के लिए। बहुत ये खुशी भी है कि इतना लोगों में शामिल हो पाए हैं हम लोग। आज कितने लोग होंगे यहाँ पे तकरीबन? लगभग 12 से 15 लाख होना चाहिए। 12 से 15 लाख। जी जी। आपका नाम सर? मेरा नाम ग्यासुद्दीन अंसारी। ग्यासुद्दीन अंसारी, आप काफी दूर से आए हैं लग रहा है। नहीं नहीं, ज्यादा दूर से नहीं आए हैं, बस 20 किलोमीटर दूरी से आए हैं। यहाँ तो इंडिया का हर जगह का आदमी आए हुए हैं सर। हर कोने से आए हुए हैं। हर कोने से आए हुए हैं। उस हिसाब से हम लोग का घर ज्यादा दूरी से नहीं होता। अच्छा, तो आज आखिरी दिन, आज के बाद खत्म हो जाएगा इतना। दुआ कितनी बजे होगी सर? दुआ तो 11 बजे होने के बाद है सर। 12 बजे? ओके, ठीक है सर, दुआओं में याद रखिएगा हमें भी।